नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार के सिडकुल के रीजनल मैनेजर गिरधर रावत को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 13 जनवरी को गिरधर रावत के शराब पीकर अपनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ बदतमीजी की थी और इस बदसलूकी के करते उन्होंने हंगामा भी खड़ा कर दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस हंगामे का वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। मामला संज्ञान में आने के बाद ही आज हरिद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिडकुल के बता दें कि एमडी से फोन पर बातचीत की और इस दौरान आरोपी रीजनल मैनेजर गिरधर रावत को तुरंत सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी अधिकारी की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से सिडकुल के रीजनल मैनेजर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में जांच कराए जाएं और साथ ही जो कोई भी इस मामले को लेकर दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि 13 जनवरी की शाम को हरिद्वार के सिडकुल के रीजनल मैनेजर गिरधर रावत शराब पीकर अपनी ही कॉलोनी के लोगों के साथ बदसलूकी की। मामला पुलिस तक पहुंचा और बाद में गिरधर रावत के लिखित माफीनामा भी दिया गया था, लेकिन आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार और पतंजलि के सहयोग से एग्री टूरिज्म और साथ ही रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। उत्तराखंड के बता दें 93 में से 2 उद्यानों को सरकार पतंजलि योगपीठ के पीपीपी मोड पर देने की तैयारी कर रही है। हरिद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है। उन्होंने इस योजना के बारे में बताया, साथ ही कहा कि जहां उत्तराखंड में एग्री टूरिज्म और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा वहीं इससे पलायन भी रुकेंगे। ये प्रयोग यदि सफल रहा तो आगे इस योजना में विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने जल्द ही उत्तराखंड सरकार द्वारा दायित्व बांटने की बात कही है और कहा है कि दिल्ली में बैठक के बाद से जैसे ही सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड लौटेंगे तभी पार्टी के समर्थित कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपने की घोषणा की जाएगी। वहीं चमोली नगर में भूधसाव आपदा के राहत और बचाव सहित विस्थापन को लेकर प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। आपदा प्रबंधक विभाग उत्तराखंड ने जोशीमठ क्षेत्र में पहले से ही विस्थापन की बता दें कि बांट जोन विस्थापन की जो है जोन को लेकर उद्धम घाटी के तल्ला बड़गिरहा गांव में 41 प्रभावित परिवारों और साथ ही नंदरा नगर घाट प्रखंड के घनी क्षेत्र को लेकर 5 परिवारों को विस्थापन देने के लिए जोशीमठ नगर के प्रभावितों को एक संदेश दिया है। जल्द ही यहां पर प्रभावितों पर भी सरकार अपेक्षाकृत सकारात्मक निर्णय लेगी। फिलहाल GSI के विज्ञापनों ने जोशीमठ नगर में प्रभावित परिवारों के लिए 4 स्थान ढाक कोंठी बाग और उद्यान विभाग और साथ ही पीपल कोटी को सुरक्षित घोषित कर दिया है, जिसके चलते शासन अब इन स्थानों पर बता दें कि प्री फैब्रिकेट हटों को डेमो परीक्षण करने जा रही है, जिसके बाद से इन चयनित स्थानों पर प्रभावित का व्यवस्थापन कराया जाना है। वहीं जोशीमठ में आई आपदा पर 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्रभावित लोगों को अभी तक स्थायी विस्थापन नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर उनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रभावित परिवार सरकार और प्रशासन से स्थायी विस्थापन की मांग कर रहे हैं। रविवार की देर रात आक्रोशित परिवारों ने सरकार और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पूरी रात बता दें कि घर के छत पर बिताई और साथ ही अपना आक्रोश जताया है। प्रभावित लोगों का कहना था कि प्रशासन उनकी अनदेखी कर रही है, उन्हें भी होटल की
खर्च पर मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि घर पर अभी कोई लाल निशान नहीं लगाए गए हैं, उन्हें घर खाली करवाया गया है। कहा कि प्रशासन द्वारा जो लिस्ट बनाए गए हैं उनमें उनके नाम दर्ज नहीं है। कहा यह गया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है वे अपनी छत के रात बिताएंगे और साथ ही इस तरीके से वे प्रदर्शन करते हुए आगे भी नजर आएंगे। वहीं छिदरवाला में रायवाल पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें वक्ताओं ने जागरूकता जीवन रक्षा कवच का संदेश देते हुए 30 लोगों को हेलमेट भी बांटे हैं। वहीं स्थानीय सामाजिक सेवी और साथ ही ऋषिकेश मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नेगी के विशेष प्रयासों के बाद भी बता दें कि प्रयासों से रायवाला पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह आनंदगढ़ छिदरवाला मेन चौक पर सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम में पहुंचे डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल ने इस अवसर पर कहा है कि सड़क दुर्घटना कमी लाने के लिए सबसे पहले आम लोगों का परिवहन नियमों की जानकारी होना जरूरी है और उनका पालन करने के लिए अनमोल जीवन को सुरक्षित करना चाहिए। वही दूसरे वक्ता क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं और ऋषिकेश के मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया है कि सड़क पर चलने वाला दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनाना बहुत ही जरूरी है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के नारे को अपनाना काफी जरूरी है। साथ ही बता दें कि नाबालिगों को मामले में अभिभावकों का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। वहीं उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे बता दें कि ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को पौड़ी जनपद में सख्ती से पालन कराने के लिए आशा स्वीट श्वेता चौबे ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर जनपद पौड़ी पुलिस द्वारा नशा तस्करों के लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इस दौरान बता दें कि जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने बताया है कि कोतवाली कोटद्वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त कमलेश खतवाल को बता दें कि लालपुल सुखरो कोटवार द्वारा बता दें कि उसके पास से 1 किलो 50 ग्राम के अवैध चरस के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि बरामद जो माल है उसके अंतर्राष्ट्रीय लागत 2 लाख रुपए है। वही एसएसपी ने बताया है कि अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कोटद्वार थाने के अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायालय में समक्ष पेश किया जाएगा और साथ ही उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगातार हम लोगों को कोटद्वार क्षेत्र में नशे की सामग्री की सप्लाई की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसमें हमने थाना स्तर से भी जो टीम गठित हुई थी उसे भी निर्देशित किया था कार्रवाई करने हेतु, एवं हमारी जो जनपद की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स है उसे भी निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज उन्हें बड़ी सफलता मिली है, जिसमें लगभग 1 किलो 50 ग्राम चरस जो है उसकी बरामदगी की है। और ये जो अभियुक्त पकड़ा गया है ये भूतपूर्व सैनिक था और अभी इसमें पड़ताल की जा रही है कि कौन इसका मेन सप्लायर है जहां से ये ड्रग्स की सप्लाई हुई है, और लगभग इसकी जो कीमत है वो 2 लाख की कीमत की ड्रग्स पकड़ी गई। इसमें अभी हमारा प्रयास लगातार जारी है। इसके अलावा श्रीनगर और पौड़ी में भी जो हमारी जो थाना स्तर की एएनटीएफ टीम है वो भी इसमें कार्यशील है। वही जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा खाल के कसरेला जा रही एक कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर की खाई में जा गिरी। घटना में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वही बता दें कि एसडीआरएफ के शव को खाई से बाहर निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया है। वही पुलिस के मुताबिक मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा खाल में कसरेला जा रही एक कार अनियंत्रित होकर खाई में
जा गिरी, जिसको लेकर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस दौरान पुलिस और SDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंचते ही रेस्क्यू करना उन्होंने शुरू कर दिया। जान जोखिम में डालकर यहां पर खाई में उतरी SDRF की टीम ने मौके पर ही देखा कि कार सवार 3 लोग हैं और जिनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं कार खाई में गिरने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने खाई में निकाले गए शव को देखकर बताया है कि ये 3 लोग बाजार में खरीदारी करने के लिए गए हुए थे, जिसके नाम है दीवान सिंह, सतीश सिंह और साथ ही कवर सिंह और नरेंद्र नगर थाने के इंस्पेक्टर प्रदीप पंत और SDRF के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया है कि शव को खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं रायवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोंग्स नदी में नहाने गए दौरान 19 वर्षीय आफताब की डूबने से मौत हो गई है। बता दें कि सोंग नदी में ये नहाने गया था युवक, इस दौरान इसकी मौत हुई है। वहीं SDRF ने नदी से ही शव को बरामद कर रायवाला थाना पुलिस को सपूत कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायवाला थाना अध्यक्ष कुलदीप पंत ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला 19 वर्षीय आफताब ने अपने 4 दोस्तों के साथ साहबनगर में बह रही सोंग्स नदी में नहाने के लिए पहुंचा था। इस दौरान आफताब अचानक नदी में डूब गया। दोस्तों ने घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी है। वही सूचना के आधार पर पुलिस ने SDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाकर SDRF की टीम ने आफताब के शव को नदी से बाहर निकाला है। पुलिस को सपूत कर दिया गया है उसके शव को, और साथ ही थाना अध्यक्ष ने बताया है कि पुलिस ने शव को पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए एम्स में भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते बाद ही आफताब के परिजनों भी रायवाला पहुंच चुके हैं और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले भी कर दिया जाएगा। बता दें कि SDRF के निरीक्षक कविंद्र सजवान ने बताया है कि आफताब लालतप्पड़ स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। और बता दें कि यहाँ पर एक शव के डूब जाने के बाद से लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से और SDRF के टीम की तरफ से कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाल दिया है। परिजनों को सौंप दिया गया है। बता दें कि 3 दोस्त जो थे इस नदी में नहाने आए थे और इस दौरान जो है एक दोस्त नदी में डूब गया। इस दौरान दोनों दोस्तों ने पुलिस को इस मामले की तुरंत जानकारी दी है। पुलिस और SDRF की पूरी टीम मौके पर पहुंची है और काफ़ी मशक्कत के बाद से शव को बाहर निकाला गया और अब इस शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर सूचना मिलने पर ही SSP अजय सिंह और बता दें SP क्राइम रेखा यादव घटनास्थल का निरीक्षण किया है। और आपको बता दें कि कोतवाली रानीपुर के चौकी गैस प्लांट चौकी पुलिस को सूचना मिली कि चौकी परिसर में फैमिली क्वार्टर में पीछे मुख्य सड़क में लगने वाले नाले में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। नाले से शव निकालने पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया है कि मृतका के शरीर पर बाहरी चोट आई है। महिला की उम्र करीब 72 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को जांच कर रही है और शव का पंचनामा भरकर फिलहाल मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बाद में पोस्टमार्टम के लिए इसको भेजा जाएगा। वहीं दिनेशपुर के थाना क्षेत्र के अंतर्गत बक्सौरा गांव में एक खेत में संदिग्ध अवस्था में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने सूचना पर ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और जहां पर एक युवक के खेत में मृतक अवस्था में एक शव मिला था, वहीं शव के पास से 2 इंजेक्शन भी पाए गए हैं। पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त के लिए भेज दिया गया है। वहीं पता चला है कि मृतक का नाम नरेंद्र सिंह और साथ ही पुत्र सतनाम सिंह, जो कि बुकसौरा गांव के निवासी है और शादीशुदा है, उनके बच्चे भी हैं। और युवक की अत्यधिक नशा करने से मौत हुई है और बताया जा रहा है कि युवक के पिता ने बताया है कि युवक नशे का आदि था और इस दौरान उसकी मौत हुई है, जिसके चलते फिलहाल पुलिस ने शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सरकारी हॉस्पिटल में शव को भेजा गया है।
ये अभी हमें सूचना मिली कि एक नरेंद्र सिंह सन ऑफ सतनाम सिंह आरु दुर्गापुर बुकसोरा का रहने वाला है। ये मृत अवस्था में एक खेत पे बुकसोरा क्षेत्र के बगल में ही एक ग्राउंड पे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो पुलिस टीम वहाँ भेजी, पुलिस टीम द्वारा उसकी शिनाख्त की गई। तो इसका नाम नरेंद्र सिंह है और इसके पिताजी से बात हुई तो बता रहे हैं कि वो नशे का आदि था और उसके बगल में दो इंजेक्शन भी थे। तो बाकी पंचायत नामे की कार्रवाई की जा चुकी है और पोस्टमार्टम हेतु सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया गया है और अधिक जो भी वहाँ से रिपोर्ट आएगी पीएम रिपोर्ट उसके बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नशा पता कर लेता था, कल 4:30 बजे घर से गया है तो ये नशा पता कर लेता था, उसी में ये गिर के अपने आप खत्म हुआ है, इसमें कोई किसी का वो नहीं है। सूचना कैसे मिला आप लोगों को? सूचना हमारे को सवेरे पता लगा, किसी ने बताया भाई गिरा हुआ, तब हमारे को पता चला। तब कल किस टाइम घर से निकला था? ये करीब 4:30 का टाइम था, बाजार से पैसे लेते ना ब्याज में, हम तो लेने गया था पैसे, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? सतराम सिंह। और बेटे का क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। क्या काम कर? उत्तरकाशी के सालरा गांव में मंदिर में जाने पर अनुसूचित जाति के युवक के साथ मारपीट के मामले में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति के युवक जन समाज ने पौड़ी के आक्रोशित व्यक्त किया है, आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आए हैं मामले को लेकर। बता दें कि युवजन समाज के जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। मनमोहन सिंह ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन गया है और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये घटनाएं निरंतर मतलब अनुसूचित जातियों से दलितों से हो रही है, ये घटनाएं ना हो, क्योंकि भगवान सबका है, सबका ही भगवान, इंसान जो पैदा हो गया सबका भगवान होता है। तो इस तरह से जो है गलत हरकतें ना करें और शासन इसमें कदम गहरा से गहरा कदम उठाए और इनको जो दोषी हैं उनको सजा दी। इसी के इस प्रकरण में जो यहाँ पे एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला है, उसने जांच से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन हमारे माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है, तो उसी क्रम में वो लोग मिले थे। आज हम जिला अधिकारी को एक ज्ञापन देने गए हैं, जो उत्तरकाशी मोरी की जो घटना हुई है दलित युवक के साथ, हम उस घटना का बहुत विरोध करते हैं, आइंदे से कोई ऐसे अपराध ना हो, और हमने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है, अगर भाई दी उनको सजा नहीं होती है तो कांग्रेस जन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। चलिए अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।